हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी अंकित पाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि इस बार 2024 अग्निवीर इंडियन आर्मी की भर्ती होने वाली है, तो इसमें हमने आपके लिए एक बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी अंकित पाटी सर की बुक लगाई है, जिसमें आपको मैथ्स रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर नंबर 12 पाइप तथा टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको सिखाकर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप इसमें से कितना सीख पाते हैं और अपने एग्जाम में कैसे सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंडियन आर्मी जिंदाबाद, तो इस नारे के साथ हम आपकी आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा पाइप और टंकी से रिलेटेड है। इससे पहला चैप्टर मैंने समय और कार्य से रिलेटेड कराया था, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया है, वे सभी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में लगेंगे। तो फ्रेंड्स, उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम आज की वीडियो का एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, नल के एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। देखिए, नल के एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। देखिए, दोनों कंडीशन में टैंक वही है, सेम है, तो नल के 8 घंटे में और नल एल 20 घंटे में भर सकता है। के और एल दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे? जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था, जब दोनों मिलकर काम करते हैं, ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, तो मालूम हो जाता है दोनों मिलकर उसको कितने समय में करते हैं। यहाँ पर भी वही है, दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर देते हैं, तो ऊपर गुणा 8 गुणा 20 और नीचे बटे में दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 20 8 28। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। देखिए, 4 7 28, 4 5 20 और 8 5 40, 40/7, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 40/7 घंटे में दोनों उसको मिलकर भरेंगे। देखिए, बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, आप ये तरीका भी सीखिए, क्योंकि दोनों तरीके आपसे आने चाहिए, तभी आप मैथ में और ज़्यादा मैथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो देखो, नल के 8 घंटे में नल एल से 20 घंटे में, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8 और 20 का। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम उस टोटल कार्य को दर्शाता है जिसको वे 8 घंटे में ये 20 घंटे में कर देता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इनका? 40 एलसीएम होगा, 8 5 40, 8 5 40 और 20 2 40, ये हो गया। और ये जो आया 5 और 2, ये आ गए इनकी इफिशेंसी, यानी ये कार्य करने की क्षमता। 5 और 2 इनके कार्य करने की क्षमता आ गई, यानी कि इफिशेंसी आ गई। अब ये कह रहा है कि मैं इस काम को 8 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे में 5 यूनिट करूँगा। ये कह रहा है मैं 20 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे में 2 यूनिट करूँगा। तो अगर दोनों को मिलकर इसे भरना पड़े, तो कितने समय में भरेंगे दोनों मिलकर? दोनों की यूनिट भी मिलानी पड़ेगी एक जगह, 5 और 2 7, 7 से इसे भाग कर देंगे, तो समय आ जाएगा कि दोनों मिलकर उसको कितने घंटे में भर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, 40/7 घंटे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। देखो, पाइप एक्स किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। देखो, और एक्स तथा वाई दोनों मिलकर उस टैंक का 1/3 भाग, देखो 1/3 भाग कितने घंटे में भरेगा। अब देखो, जो दोनों मिलकर काम को करते हैं एक्स प्लस वाई दोनों, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, मैंने बताया था आपको 12 गुणा 36 और नीचे जोड़ करेंगे इनका 48, और टैंक का कितना भाग बताया है? 1/3, यानी कि 1/3 भाग।
तो कितने समय में भरेगा, देखिए 12 चौक 48, 4 तीये 12 तीये 36, देखिए 4 तीये 12 तीये 36, तीन एकम 3 घंटे में, तो 3 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 3 घंटे में भरते हैं दोनों। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड तरीके से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, ये एक्स उसको 12 घंटे में, वाई उसको 36 घंटे में, तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, 36 12 तीय 36, 36 एकम 36, दोनों मिलकर 4 यूनिट एक साथ भरते हैं और उसका एक तिहाई भाग भरना है हमें। देखिए तो कितना होगा, 36 एकम 36 बटे में 12, 12 तीय 36, 3 घंटे में भरेंगे। ये इसका सेकंड मेथड है, तो आप इसका सेकंड मेथड भी सीखिए और देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस टाइप इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। पाइव और टंगी का बहुत ही लेटेस्ट और बेस्ट चैप्टर होता है, इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए ज़बरदस्त और आसान होगा, बिल्कुल ईजी और सरल होगा। तो देखिए वीडियो क्वेश्चन नंबर 3, देखो बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। जब दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, यानी कि पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। देखिए 12 घंटे में भर देते हैं, एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, यानी कि पहला जो पाइप है दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। इसका मतलब है दूसरा पाइप पहले वाले से 10 घंटा देरी से भरता है, मतलब इन दोनों में 10 घंटे का डिफरेंस है, ये हमें पता लग गया, 10 घंटे का अंतर है। तो टंकी को भरने में तेज भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगाएंगे, तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे ये पूछा है। देखो पहला पाइप जो है इससे 10 घंटे तेज भरता है, इसका मतलब दूसरा पाइप पहले पाइप से 10 घंटे देरी से भरेगा उस टैंक को। तो पहला अगर टी टाइम ले रहा है तो ये लेगा टी प्लस 10 ऐसे। अब देखिए दोनों जब मिलकर टैंक को भरते हैं तो दोनों का कुल समय लगता है 12 घंटे, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर तेज वाला पाइप हमारा ये वाला है और देरी से भरने वाला बी पाइप है, तो हमसे तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे ये वाला मान पूछा है। तो इसको ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे थोड़ा लॉन्ग बैठ जाएगा, बस ये अंतर है और कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। देखिए पहला ऑप्शन लिया ए, ए वाला ऑप्शन लेंगे, ए अगर 20 घंटे में भरता है तो बी 20 जमा 10 30 में भरेगा, और जब दोनों मिलकर भरेंगे तो 12 घंटे उत्तर आना चाहिए इनका, और दोनों मिलकर भरते हैं तो मैंने बताया था ऊपर गुना नीचे इनका जोड़ आना चाहिए 50। अब देखेंगे दोनों मिलकर भर रहे हैं 12 घंटे आता है या नहीं आता, आंसर देख लेंगे। 10 पंजे 50, 10 दुनी 20, 5 छंग 30, 6 दुनी 12, आ गया 12 घंटे। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर सही है यही, कि तेज पाइप जो है ए टैंक को अकेले कितने घंटे में भरेगा, 20 घंटे में, तो ए जो है उसको 20 घंटे में अकेले भरता है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, पहला पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा पाइप 10 घंटे में भरता है। देखो पहला पाइप 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भरता है, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय में 4 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक को कितना, टैंक का कितना भाग भर जाएगा। देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर कितना एलसीएम बनता है इनका, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 40 एलसीएम बनेगा इनका, 8 पंजे 40 5 यूनिट भरेगा ये, 10 चौक 40 ये 4, क्लियर। अब देखो
ये एक घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 4 घंटे में कितना भरेंगे, 9 चौक 36 यूनिट। अब 36 इसमें हमने 36 यूनिट भरा 4 घंटे में। अब इसने 4 घंटे में ही पूछा है कि 4 घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक का कितना भाग भरेगा 4 घंटे में। देखिए पूरा टैंक 40 घंटे में भरा जाता है, तो 36 घंटे में कितना भरे जाएगा, मतलब ये 40 यूनिट जो है पूरे टैंक में आती है, तो 4 घंटे में 36 यूनिट भरी जाएगी, 36 यूनिट तो कितना भाग भर जाएगा, 4×36 4×40 मीन्स 9/10 भाग भर जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 9/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। देखिए कैसे इसको आसान बनाया जाता है, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ये भरता है और ये खाली करता है 10 घंटे में। यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरे जाएगी। देखिए पी और क्यू हमारे दो नल है, पी और क्यू, ये 6 घंटे में भरता है और ये 10 घंटे में उसको खाली कर देता है। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 6×5=30। अगर ये 5 यूनिट भरता है तो क्यू 10×30 3 यूनिट खाली कर देता है, 10×30 3 यूनिट, तो इसका मतलब एक घंटे में 2 यूनिट भरी जाती है, एक घंटे में 2 यूनिट भरी जाती है। तो टैंक को भरने में लगा समय बताना है, 2 से भाग दे देंगे इसे, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2 यूनिट भरे जाती है एक घंटे में, तो 30 यूनिट भरने के लिए उसे लगेगा 15 घंटे। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने 15 घंटे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ये रहा, अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फिनिश करेंगे मैथ को, मैथ को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल इजी बनाकर छोड़ेंगे, आसान करके छोड़ेंगे इसको बिल्कुल। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है और अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में भरता है। देखिए जब आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, तो पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा, तो हम कहेंगे नल ए उसे 12 घंटे में भरता है तो बी उसे 20 घंटे में खाली करता है, ये खाली का चिन्ह है माइनस के लिए। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि आधे भाग को भरने में। अब हम देखते हैं अगर इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 60 एलसीएम आगा, यानी टंकी में टोटल इतना पानी आ सकता है, इतने यूनिट है टंकी का टोटल भाग इतने, तो 12×5=60 5 यूनिट भरे जाएगा एक घंटे में, और ये 20×60 3 यूनिट खाली कर देता है, तो इसका मतलब एक घंटे में 5 में से 3 घटाएंगे 2 यूनिट फिर भी भरी जाती है, तो 5×3=2 यूनिट भरी जाती है एक घंटे में, फिर भी 2 यूनिट भरी जाती है, तो टंकी का आधा भाग, पूरा भाग 60 है तो आधा भाग हो गया 30, 30 को भरने में कितना समय लगता है, एक घंटे में 2 यूनिट तो 30 यूनिट को भरने में कितना समय लगा, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 घंटे, तो 15 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट और सिंपल टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा और इजी तरीके से आपके सामने आंसर आ जाएगा, तो देखो कैसे किया जाता है। पाइप ए और पाइप बी भरी टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली करते हैं। देखिए ए और बी दोनों खाली करने का कार्य कर रहे हैं और सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर देता है। सी भरने का काम करता है, ए और बी खाली करने का काम करते हैं। देखिए ए 15 मिनट में और बी 20 मिनट में और सी 8 मिनट में भर देता है, तो इस प्रकार बताओ टंकी कितने घंटे में भरेगी यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका 120,
15, 20 और 8 का एलसीएम आता है 120, तो 15 अट्ठे 120 और 20 छिके 120, ये खाली कर रहे हैं और ये 8 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 15 अट्ठे 120, ये 15 यूनिट भर रहा है एक मिनट में, देखिए। तो ये दोनों खाली करने का और ये भरने का जो इनकी एफिशिएंसी है, ये एक मिनट में 8 यूनिट खाली करता है और ये 6 यूनिट और ये भर देता है 15 यूनिट, क्लियर। तो भरने का समय पूछा है, बात मिनटों की चल रही है। तो देखिए 15 में से 8 6 14, अगर ये 14 डाल रहे हैं मतलब 14 खाली कर रहे हैं, ये 15 उसमें डाल रहा है, अगर ये 14 उसमें से खाली कर रहे हैं तो ये 15 उसमें डाल रहा है, तो इसका मतलब एक यूनिट भरी जाती है एक मिनट में, क्योंकि तीनों एक साथ एक मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो एक मिनट में एक यूनिट भरी जाती है। 15 में से 14 घटाएंगे एक, तो 120 को जब हम एक से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 मिनट, और 120 मिनट को हम घंटे में कहेंगे, 120 मिनट में होते हैं 2 घंटे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि टैंक जो है 2 घंटे में भर जाएगा इस प्रकार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पाइप ए 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, यानी एक पाइप जो है 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हुई है और तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है, यहाँ रिसाव के कारण 28 मिनट में खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आ गया, ये आपका 140 एलसीएम आ गया, 28 पंजे 140, 20 सत्ते 140, ये 7 यूनिट भरती है उसमें, और ये 28 पंजे 140 5 यूनिट खाली करती है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सीधी सी बात है, एक मिनट में ये 7 भर रही है, उसी पल ये है 5 खाली कर रही है, तो एक मिनट में 2 यूनिट भरी जाती है, 2 से मैं इसको भाग दूंगा तो भरने का समय मालूम हो जाएगा। भरने का समय 2 × 7 = 14, 70 मिनट, 70 मिनट में भर जाएगी, 70 मिनट लगेंगे भरने में। तो देखिए फ्रेंड, 70 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, दो पाइप ए व बी क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए उसको 12 घंटे में भर सकता है, बी उसको 15 घंटे में भर सकता है, सी 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, सी खाली कर सकता है 10 घंटे में, क्लियर। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इनका तीनों का एलसीएम लेंगे और देखेंगे कि टैंक में कितना पानी आता है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम बनता है इनका 60, 12 पंजे 60, ये 5 यूनिट भरेगा एक घंटे में, 15 चौका 60, ये 4 यूनिट भरेगा एक घंटे में, और 10 छंग 60, ये 6 यूनिट खाली करेगा एक घंटे में। लेकिन फिर भी ये कहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये 5 और 4 9, अगर एक घंटे में 9 यूनिट उस टैंक के अंदर पानी डलता है तो 6 यूनिट उसमें से खाली भी हो जाता है उसी पल एक घंटे में ही। तो 9 में से 6 घटाएंगे, 3 यूनिट भरा जाता है, तो 3 एक घंटे में 3 यूनिट भरा जाता है, तो 60 यूनिट को भरने के लिए कितना समय लगेगा। 3 से हम इसको भाग करेंगे, 3 × 6 = 0, तो 20 घंटे लगते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी फिनिश।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कैसे हल होता है। पाइप ए और बी भरी टंकी को 36 और 45 मिनट में खाली करते हैं। ए 36 मिनट में खाली करता है, बी 45 मिनट में खाली करता है, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर देता है। पाइप सी 15 मिनट में भरता है, क्लियर। बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इनका एलसीएम क्या बनता है। इनका एलसीएम बनता है 180, 36, 36 छिक्के 180, ये 6 यूनिट खाली करेगा एक मिनट में। 45 चौका 180, ये 4 यूनिट खाली करेगा एक मिनट में। और 15 से 180 को भाग करेंगे, 12 बार कटता है। 15 कम 15 दूनी 30, 12 ये भरेगा। देखिए ये 12 यूनिट भरता है, ये 6 4 10, 10 यूनिट इसमें खाली करते हैं, ये भरते हैं। चलो सबकी अलग अलग क्वालिटी का पता लग गया। ये 6 यूनिट खाली करता है, ये 4 खाली करता है, ये 12 भरता है, हमें मालूम हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। बी प्लस सी को एक साथ 5 यूनिट के लिए खोला जा। बी 4 यूनिट खाली करता है, सी 12 यूनिट डालता है, फिर भी 12 में से अगर 4 घटाएंगे 8 यूनिट फिर भी भरा जाता है। एक मिनट में फिर भी 8 यूनिट भरा जाता है, तो 5 मिनट तक कितना भरा जाएगा। 5 की गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 यूनिट भरा जाता है। देखो 5 मिनट तक 40 यूनिट भरा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। देखिए जब 40 यूनिट भर गया, फिर बी व सी को बंद कर दिया तथा ए को खोल दिया जाता है, तो ए टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा, यानी कि इस भरे हुए भाग को ए कितने समय में खाली करेगा। ए का भरा ये 40 जो है भरा हुआ भाग है, तो ए उसे कितने समय में खाली करेगा। अब देखिए ये 36 5 180 होता है, 36 छिक्के नहीं, 36 5 180, 36 5 180, और ये 45 चौका 180, और 15 से इसको काटे 12 बार। देखो बी सी का काम आ गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये बी सी के माध्यम से। अब बात आई ए की, ये 40 भरा हुआ है, बी सी ने 5 मिनट तक 40 यूनिट भर दिया। अब इसे भरे हुए को ए टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। एक मिनट में 5 यूनिट खाली करता है ए, 5। अगर मैं 5 से इसे भाग करूं तो ए पता लग जाएगा कितने मिनट में खाली करता है। 5 8 40, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 8 40, 8 मिनट लगेंगे उसको खाली करने में। ये रहा तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, 8 मिनट लगेंगे उसको खाली करने में, 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में, पाइप ए 2 घंटे में और पाइप बी उसे 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाता है तब टैंक कितने बजे तक भरेगा। अब देखो सबसे पहले देखा जाएगा तो कि टैंक में कितना पानी आ सकता है, कितना यूनिट आएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, 2 6 का एलसीएम 6 आ जाता है। अब देखिए 6, अब ये 1 घंटे में कितना यूनिट भरता है, 2 3 6 3 यूनिट भरता है ए, और ये बी भरता है 6 गम 6 1 यूनिट भरता है। अब देखो सबसे पहले 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, तो ये 3 यूनिट डाल देता है उसके अंदर, टैंक के अंदर 3 यूनिट डाल देता है 10 से 11 बजे तक, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट डालता है उसके अंदर। तो 11 बजे टैंक में 3 यूनिट डाला हुआ था। उसके बाद 11 बजे बी को भी 11 बजे खोल दिया जाता है, तो 11 बजे ये दोनों हो जाते हैं, ए बी और बी बी। अब दोनों की यूनिट कितनी होगी 11 बजे, 4 यूनिट होगी, 1 घंटे में 4 यूनिट डालेंगे, तो टैंक को कितने बजे तक भरा जाएगा। आगे टैंक का खाली भाग 3 रह गया। देखो
10 से 11 बजे तक 3 यूनिट डाल दिया उसने, 6 में से 3 घटाएंगे, शेष 3 यूनिट को भरना है, शेष 3 यूनिट भरना है उन्हें, शेष 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को भरने के लिए ए और बी को 11 बजे खोला गया, ए और बी की यूनिट हो गई 4 और 11 बजे खोला गया इन्हें 11 बजे। तो देखिए इस घंटे का मिनट बना लेंगे क्योंकि भाग नहीं हो सकता, 60 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे इसको, 15 बार 15 तीय 45 मिनट में आगे का जो हिस्सा है वो 45 मिनट में भर जाएगा। तो टाइम क्या हुआ 11:45, तो टाइम हो गया आपका टैंक को भरने में लगा समय 11:45। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, 11:45 का टाइम लगा, ऑप्शन सी। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो पाइप किसी टैंक को क्रम से 15 घंटे 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, ए और बी, 15 घंटे में और ये 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये 4 घंटे में खाली करेगा, अगर ये भर रहे हैं तो ये खाली करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यदि इन पाइपों को क्रम से सुबह 8 बजे पहले को, फिर दूसरे को 9 बजे और तीसरे को 11 बजे खोला जाए तो टैंक कितने बजे खाली होगा? अब देखो यहाँ पर एलसीएम आएगा इनका, 15 × 60, 12 × 5 = 60, ये 60 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए एक घंटे में 15 × 60 4 यूनिट भरता है, बी भरता है 5 यूनिट, देख लीजिए 5 यूनिट भरता है 12 × 5 = 60, और ये खाली करता है 15 यूनिट, 15 × 60 एक घंटे में 15 यूनिट खाली करता है, ये इनकी क्वालिटी है काम करने की। अब देखो इसे 8 बजे खोला गया, और 8 बजे खोला गया तो ए ने 4 यूनिट डाल दिया उसमें पानी, 9 बजे बी को खोला गया 9 बजे, और 9 से 11 2 घंटे तक ये इन्होंने दोनों ने भरा। देखो 9 से 11 बजे तक 2 घंटे बैठते हैं, तो 2 घंटे लो, एक घंटे में 5 × 4 = 9 और 2 घंटे लो 18 हो जाएगा, 18 यूनिट इन्होंने भर दिया, कब तक? 11 बजे तक, 11 बजे तक 22 यूनिट, 18 × 4 = 22, 22 यूनिट भरा गया उसमें, कब तक? 11 बजे तक, 11 बजे तक उसमें 22 यूनिट भरा गया। अब देखिए इनके काम करने की क्षमता क्या है, अगर ये 9 यूनिट डालते हैं तो 15 यूनिट खाली किया जाता है, तो -6 यूनिट एक्स्ट्रा खाली किया जाता है। देखो प्लस का 9 माइनस 15 तो -6 यूनिट खाली किया जाता है, तो इसका मतलब तभी तो टैंक खाली होगा ये, क्योंकि ये कम डालते हैं ये खाली कर देता है, तो उन्होंने 22 यूनिट डाल दिया उसमें। अब 22 यूनिट पर काम करके देखेंगे, 22 यूनिट पर को -6 से भाग करेंगे, क्योंकि आगे अगर ये 9 डालेगा तो ये 15 उसमें से खाली करेगा, अगर ये आगे 9 डाले तो 15 ये खाली करेगा, यानी कि 6 अतिरिक्त खाली करेगा, और वो 6 अतिरिक्त इसमें से ही तो घटेगा, जो ये 22 यूनिट ऑलरेडी पहले से ही भर दी गई है इसमें से घटेगा वो 6 यूनिट। तो हम 22 को 6 से भाग कर देंगे, पता लग जाएगा कितने समय में वो खाली हो जाएगा, 22/6 खाली हो जाएगा, ये हो गया 36/18, 3 घंटे तो ये हो गए, 36/18 = 4, 3 घंटे 4/6। अब इस घंटे के मिनट बनाएंगे, 60 से गुणा, 6 × 60, 10 × 40, तो लिख देंगे 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट बनता है टाइम। तो इसे खाली करने का समय 3 घंटा 40 मिनट बनता है, 11 बजे के बाद समय बताएंगे कितना होगा, 11 के बाद 12, 13, 12, 1, 2 बजेंगे, देखो 11 के बाद 12, 1, 2, 2 बजकर 40 मिनट, देखो 11 बजे के बाद 3 घंटे जोड़ेंगे और 40 मिनट जोड़ेंगे, तो 11 बजे के बाद 12, 1, 2 और 40, तो 2:40 PM पर टैंक खाली हो जाएगा, यानी कि 2 बजकर 40 मिनट पर टैंक खाली हो जाएगा,
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से हल होने वाला सवाल, देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि 3 गुना तेजी से काम करने की क्षमता है। पहले वाले पाइप में दूसरे वाले पाइप से 3 गुनी कार्य क्षमता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, दोनों 36 मिनट में भरते हैं, तो टोटल यूनिट देखेंगे, टोटल उसमें कितना पानी आएगा, कितना यूनिट पानी आएगा दोनों मिलकर 36 मिनट में। अब दोनों मिलकर एक साथ कितना यूनिट डालते हैं, 3 डाल लेगा, 1 4 डाल लेगा, तो 36 लोग कितने बैठ गए, 36 चौका 144 यूनिट डाल देंगे। तो बताओ धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा, समय पूछा है इस टैंक को, यानी टैंक की ये क्वांटिटी है इतना उसके अंदर डालना है 144 यूनिट। तो धीमी गति वाला 1 मिनट में 1 यूनिट डालता है, तो 144 यूनिट डालने में उसे कितना समय लगेगा, 1 से इसको भाग कर देंगे, 144 मिनट लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, 144 मिनट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 144 मिनट। आसानी से हो गया, बिल्कुल ईजी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है उसमें से, तो टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब 3/4 भाग भरा हुआ बराबर 30 लीटर गया है, क्योंकि 30 लीटर निकलते ही भाग खत्म हो जाए, खाली हो जाए, तो इसका मतलब हो गया 3/4 भाग बराबर 30 लीटर, यानी 3 भाग 30 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहे, 4 भाग 40 लीटर को, और बटे की जो वैल्यू हो वह टोटल टैंक की कुल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी 40 लीटर टैंक में पूरा पानी आ सकता है। तो टैंक की धारिता बताए, 40 लीटर आ जाएगी टैंक की धारिता, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से आपका हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाया जाएगा, हर क्वेश्चन आसान कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इसको आसान किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, देखो किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, तो टैंक को भरने में लगा समय बताओ, तो टैंक को भरने में लगा समय बताए। तो देखो 72 घन मीटर के लीटर बना लेंगे, 72 घन मीटर के लीटर बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और 60 लीटर प्रति मिनट की दर से इसे भरा जाता है, 60 लीटर प्रति मिनट। तो जब हम इसको भाग करेंगे लीटर को मिनट से, तो मिनट आ जाएगी कितने मिनट में वह भरा जाएगा, 0 से 0, 6 से काटा, 72 को 12 बार, 12 गुणा 100 मिनट लगेगी। अब मिनट के हमें घंटे बनाने हैं, तो 60 से भाग कर देंगे इसको, 60 से भाग, तो घंटे आ जाएगा 60 × 120, 20 घंटे, तो 20 घंटे लगेंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20 घंटे, बिल्कुल ईजी और आसान आपके सामने। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, देखिए 9 नल 20 मिनट में भर देते हैं, और एक समान क्षमता वाले कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरेंगे, 15 मिनट में कितने नल उसे भरेंगे, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, ये 3 × 15, 3 × 9, 5 × 20, 4 × 12 नल, तो 12 नल उसको भरेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 नल लगेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा बिल्कुल ईजी और आसान मेथड आपके सामने। चैप्टर नंबर 12, पाइप तथा टंकी, इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके बाद अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, चैप्टर नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सोल्यूशन
कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के हर चैप्टर को आपके सामने कंप्लीट कराया जाएगा। मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। देखिए, 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे काम करके जलाशय को 15 दिनों में खाली कर देते हैं। देखिए, इक्वल टू इक्वल लगता है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इक्वल टू इक्वल से होते हैं। तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली करेंगे। देखिए, बस हो गया आसान। 12 से मैंने 12 काटा, 15 छिक 90 बराबर हो गया पी गुणा 9, तो 9 ढाई 90, 10 पंप। तो पंप की संख्या आ गई 10, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, हर क्वेश्चन आपको लाजवाब खतरनाक तरीके से सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो एकदम बहुत जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगी। थैंक यू, वेलकम।